हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे स्कोप ऑफ सर्विस मार्केटिंग। तो नेक्स्ट आप देखते हैं स्कोप ऑफ सर्विस मार्केटिंग, जिसमें फर्स्ट आता है क्रिएट अवेयरनेस, बूस्ट सेल्स एंड इंक्रीजिंग रेवेन्यू, राइजेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, सोर्सेज ऑफ न्यू आइडिया, बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग, हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अब हम इन सभी को डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट आता है क्रिएट अवेयरनेस। जो भी सर्विस मार्केटिंग होता है, ये डील करता है मार्केटिंग में इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स के साथ में, कि कैसे आप आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अवेयरनेस मार्केट में क्रिएट कर सकते हैं, कि आप किस टाइप की सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कस्टमर को आप उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, मार्केटिंग की सारी एक्टिविटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड करता है कस्टमर को, और ये मोटिवेट करता है कि क्या डिफरेंट सर्विसेस अवेलेबल है और आप कैसे उनको ऑफर कर रहे हैं। तो आप आपकी जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं मार्केट में। सेकंड आता है बूस्ट सेल्स एंड इंक्रीजिंग रेवेन्यू। कोई भी बिजनेस इसलिए सर्विस मार्केटिंग करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। तो आप मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज को डिजाइन करते हैं, क्या लोगों की नीड है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। इसमें आपके कस्टमर इंक्लूड्स होते हैं कि क्या अवेलेबल सर्विस आप ऑफर कर रहे हैं, जो भी कस्टमर है आप उनको कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं, हैप्पी कर सकते हैं, आप कैसे आपकी सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी कर सकते हैं, कैसे आप आपकी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, आपके बिजनेस के रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप आपकी सेल्स को इंक्रीज कर सकें और आपके रेवेन्यू को इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट आता है राइजेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सर्विस मार्केटिंग हेल्प करता है कि कैसे जो भी डिफरेंट इकोनॉमिक की सर्विस अवेलेबल है मार्केट में, उनसे आप कैसे डिफरेंट है, क्या आप अच्छा दे रहे हैं, आप और प्रमोशन की एक्टिविटी करते हैं ताकि लोग अगर आपकी सर्विसेज को यूज करते हैं तो वो सेटिस्फाइड हो, और जितनी अच्छी सर्विसेज वो यूज करेंगे उतना उनका स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। जो भी मार्केटिंग की एक्टिविटी है, ये लार्ज नंबर में लोगों को रोजगार देती है, क्योंकि इसमें आप मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज को डिजाइन कर रहे हैं, बिजनेस को रिक्वायर्ड होता है कि उनको बहुत सारे लोगों की जरूरत है जब भी वो कोई काम कर रहे हैं। तो जब भी अगर आपका खुद का बिजनेस है जिसमें आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपने अगर एक रेस्टोरेंट खोला तो आपको वहां पे शेफ की, कुक की, गार्ड की, वेटर की, क्लीन करने वाले लोगों की, तो ऐसे आपको डिफरेंट एम्प्लॉयज की जरूरत होगी। तो कोई भी मार्केटिंग की एक्टिविटी आप बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। अगर आप प्रॉपर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को रखते हैं तो कस्टमर के जो भी डाउट है आप इजिली क्लियर कर सकते हैं, उनके साथ एंगेज रह सकते हैं। जो भी मार्केटिंग की एक्टिविटी किसी भी बिजनेस में कैसे आप उनको देख सकते हैं, और आप एम्प्लॉयमेंट के लिए मार्केटिंग प्रोग्राम भी चला सकते हैं। नेक्स्ट आता है सोर्सेस ऑफ न्यू आइडिया। जो भी मार्केटिंग प्रोग्राम आप चला रहे हैं उसमें आपको नए आइडिया मिल रहे हैं कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है मार्केटिंग प्रोग्राम के थ्रू, आप उसको आपकी सर्विसेज में अप्लाई कर सकते हैं, आपके प्रोडक्शन की प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हैं, और आप नए आइडियाज को अपने मार्केटिंग ट्रेंड के अकॉर्डिंग मार्केट में चल सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं, कस्टमर को जो भी डिलीवर कर रहे हैं, तो आपको इम्पोर्टेंट होता है कि आप देखें कि क्या मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी से बिजनेस की, कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं कस्टमर के साथ, उनकी क्या नीड है, क्या डिमांड है, उसको वो कैसे समझते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हैं। तो डिसीजन मेकिंग प्रोडक्शन प्रोसेस में इम्पोर्टेंट होती है कि आप कैसे कस्टमर के लिए अच्छे तरीके से डिसीजंस ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो मार्केटिंग है वो हेल्प करता है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, रेवेन्यू को इंक्रीज करता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, गरीबी को कम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है। तो इस तरीके से ओवरऑल इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है। तो ये थे कुछ स्कोप। तो स्कोप ऑफ सर्विस मार्केटिंग में हमने पढ़ा क्रिएटिंग अवेयरनेस, बूस्ट सेल्स एंड इंक्रीज रेवेन्यू, राइज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, सोर्सेस ऑफ न्यू आइडिया, बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग, और हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।